इस वक्त की बड़ी खबर, कालपी में मोरंग खदान में ट्रक से दबकर युवक की मौत से मचा हंगामा। परिजनों ने लगाया हाईवे पर जाम, पुलिस पर बरसाए गए पत्थर, साथ ही कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे। कालपी पुलिस क्षेत्राधिकारी को भी लगा। पत्थर पुलिस क्षेत्राधिकारी की सूझबूझ से बड़ी मुश्किल से हटाया गया। जाम। कालपी संवाददाता प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। मैं प्रशांत शुक्ला, जालौन मेट्रो तहसील संवाददाता कालपी। हम आपको दिखा देंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको दिखा सकता हूँ, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। NH-27 राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। किन लोगों ने जाम किया है ये भी हम आपको बताएंगे। मैं आपको बता दूं, कल रात देर रात 11:30 बजे एक युवक की दुर्घटना कहें या आकस्मिक निधन कहें, घाट पे वो काम करता था, यहाँ पे तरीबुल्दा स्थित घाट पे कालपी नगर में उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है और उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को जबरदस्ती ले गए हैं ठेकेदार व पुलिस वाले, उनका यह आरोप है। हम इस बात की पुष्टि नहीं, हम या हमारा चैनल नहीं करता है। आप देख सकते हैं ये लगभग जाम लगे 1.25 घंटा से ऊपर हो चुका है, यहाँ जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप देख सकते हैं गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया है। पहले ही एक एम्बुलेंस भी फंसी रही, उसमें एक मरीज डालता, तिमाल डालता, और आप देख सकते हैं प्रशासन सारा कालपी तहसील का यहाँ पे मुस्तैद है, समझाने की कोशिश करी जा रही है क्षेत्राधिकारी कालपी के द्वारा, और आप देख सकते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं वहीं पे मौके पर। प्रशासन प्रयास कर रहा है पर दुखी परिवारजनों को समझाने के कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम ना कर दे। मैं आपको बता दूं ये NH-27 झांसी से कानपुर की ओर जाता है। आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई मंत्राना कच्छ, ये नेशनल हाईवे आप समझ सकते हैं। 1 घंटे से जनजीवन अस्त व्यस्त है यहाँ पे, और परिवारजन है कि मानने को तैयार नहीं है। क्षेत्राधिकारी कालपी पुलिस बल के द्वारा उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना पुलिस बल है, और यहाँ कालपी तहसील का सर्कल का पूरा पुलिस बल आ रहा है। धीमे धीमे समझाने का प्रयास किया जा रहा है पर परिवारजन है कि मानने को नहीं है। उनका ये आरोप है कि ठेकेदार ने कुछ पुलिस वालों के संग मिलकर उनकी बॉडी ले जाई गई, उनको बॉडी की जानकारी नहीं है कहाँ पे, लेकिन पुलिस का ये कहना है वहीं पे कि डेड बॉडी मॉर्चरी हाउस उरई पे है। आगे देखते हैं क्या होता है। सर आज ये नेशनल हाईवे NH-27 जाम किया गया है, क्या है पूरा मामला, किस वजह से जाम किया गया? एक्चुअली एक जो माइन कर्मी था, यह खदान में काम करता था, कल उसकी मृत्यु हुई थी, तो परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या कर दी गई है इसी, और पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, मोर्चरी में बॉडी रखी है। घर वालों को इसमें हत्या की आशंका थी, तो इनको घर वालों को आश्वस्त किया गया कि आप तहरीर दीजिए, पुलिस हत्या का मुकदमा पंजीकृत करेगी और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई होगी हम करेंगे। साथ ही जो पोस्टमार्टम है और पंचनामा इनके सामने भरा जाएगा, पोस्टमार्टम भी हम वीडियो से करवाएंगे और पैनल से करवाएंगे। करीब कितने घंटे तक जाम लगा रहा? करीब यहाँ 2 घंटे इन लोगों ने जाम लगाया, काफी दूर तक जाम लगा रहा, काफी समझाते रहे, लेकिन इनमें से कुछ दारू पी के लोग थे वो बरगला रहे थे। हमने पूरी वीडियोग्राफी करी है, ऐसे लोग जिन्होंने 2 घंटे जाम लगाया है और इस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश करी है। चुनाव का समय 144 भी लगी थी, इनको बार बार समझाया गया तब भी ये लोग नहीं माने, तो हम उस पर भी हम विधिक कार्रवाई करेंगे। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार और खदान संचालक और पुलिस के द्वारा वो डेड बॉडी छीन के ले गए हैं, क्या? नहीं, जो जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी की मृत्यु हुई है, तो पुलिस उस मृत व्यक्ति को की बॉडी को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया था जिला अस्पताल, बॉडी वहीं रखी हुई है, छीनने वाली कोई बात नहीं है, बॉडी पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सर जैसा कि देखा जा रहा है जाम पूरा खुल चुका है आपके प्रयासों के द्वारा, आप आश्वस्त हो चुके हैं परिवारजन? हाँ, परिवारजनों को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि आपकी निष्पक्ष कार्रवाई होगी, अगर आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है तो स्वयं मेरे पास आए, मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ, इसलिए मैंने उनको आश्वस्त किया कि बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा। यही है, जब तुम न्याय नहीं, जब पुलिस न्याय करने को तैयार है, तुमसे कह रहे हैं मटर की तहरीर दो और हम मटर का मुकदमा लिखेंगे, अभी देखूंगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।